हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा अनुच्छेद किसे कहते हैं और अनुच्छेद को कैसे लिखते हैं, और मेरा घर और मेरा विद्यालय पर हमने अनुच्छेद लिखा। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पत्र किसे कहते हैं, पत्र क्या होता है और पत्र के कितने प्रकार होते हैं, और एक अच्छे पत्र को किस प्रकार लिखा जाता है। तो बच्चों, हम जानेंगे पत्र किसे कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा भावना रूपी शब्दों के संग्रह को दूसरे व्यक्ति के समक्ष यानी सामने लिखकर प्रकट किया जाता है, उसे पत्र कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा भावना रूपी शब्दों के संग्रह को दूसरे व्यक्ति के समक्ष या दूसरे व्यक्ति के सामने लिखकर प्रकट किया जाना ही पत्र कहलाता है। बच्चे, जो पत्र है उसके कितने प्रकार होते हैं? तो पत्र के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन, बच्चे जो औपचारिक जो पत्र है वो प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यवसायिक पत्र इसमें शामिल होते हैं। औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र जैसे अवकाश के लिए, शिकायत के लिए या फिर आवेदन के लिए, और कार्यालय पत्र अपने किसी अधिकारी को पत्र लिखना, और व्यवसायिक पत्र जैसे दुकानदार को, प्रकाशक को या किसी कंपनी के मैनेजर को पत्र लिखना। बच्चों, सेकंड नंबर पे आता है हमारा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक जो पत्र है, इस पत्र में जो लिखने वाला और प्राप्त करने वाले के बीच जो मधुर संबंध होता है उसको बताया जाता है। वो इसमें दर्शाते हैं कि लिखने वाले और उसको प्राप्त करने वाले के बीच क्या मधुर संबंध है, यानी सगे संबंधियों को जो पत्र लिखा जाता है, जैसे पिता द्वारा पुत्र को पत्र लिखना, या दादाजी को पत्र लिखना, नाना जी को पत्र लिखना, ये अनौपचारिक पत्र में आते हैं। इसकी जो भाषा शैली है वो बच्चों उसके जो पत्र लिखने वाले के और जो प्राप्त करने वाले के जो संबंध है उसमें उससे पता चलती है कि इनमें कितना अच्छा जो व्यवहार होता है वो है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। एक अच्छा पत्र कैसे लिखा जाता है, अच्छे पत्र को लिखने के क्या क्या बिंदु होते हैं, एक बार हम उसको भी देखते हैं। कि सबसे पहले अगर हम पत्र लिख रहे हैं, अनौपचारिक हो या फिर औपचारिक, उसमें पता और दिनांक होनी चाहिए। दूसरे, उसमें संबोधन या अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसमें उसके विषय कि किस विषय के ऊपर हम पत्र लिख रहे हैं, तो विषय का विषय के बारे में होना चाहिए। फिर बेटा आता है कि उसकी जो लेखन शैली है वो सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर पत्र को जो लिखने का जो तरीका है, अगर उसकी जो भाषा शैली है वो सुंदर होगी तो पत्र के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, असर आता है। तो बच्चों, एक अच्छे पत्र को लिखने के लिए उसमें दिनांक, उसका पता, अभिवादन शब्द और उसमें नीचे अपने नेम नाम वगैरह
और अपने हस्ताक्षर वगैरह होने चाहिए। तो बच्चों चलो आज का जो हमारा पत्र है वो है औपचारिक पत्र। अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए। बच्चों हमें अपने घर पर कोई भी जरूरी काम हो जाता है और हम स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं तो हम अपने प्रधानाचार्य जी को किसी हमारे आवश्यक काम के लिए जाना है हमें कहीं और उसके लिए हम अपने प्रधानाचार्य जी को सूचित करते हैं या अवगत कराते हैं कि हम कल स्कूल नहीं आ सकते। तो उसी के बारे में अवकाश यानी छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र। प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। हमारा जो टॉपिक है वो है प्रधानाचार्य जी को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, फिर अल्पविराम लगाएंगे। प्रधानाचार्य जी राठ इंटरनेशनल स्कूल दुगेड़ा बहरोड। यानी सबसे पहले हमने हमारा पता लिखा कि हम कहाँ किसको पत्र लिख रहे हैं। प्रधानाचार्य जी को राठ इंटरनेशनल स्कूल दुगेड़ा बहरोड। हमारा विषय क्या है, फिर हमने लिखा विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। यानी हमारा जो विषय है हम किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, फिर हमने अभिवादन शब्द का प्रयोग किया कि महोदय कल दिनांक 4 जून 2020 को मेरी बड़ी बहन का जन्म दिवस मनाया जाएगा। कि कल दिनांक 4 जून 2020 को मेरी बड़ी बहन का जन्म दिवस मनाया जाएगा, यानी जन्मदिन मनाया जाएगा। मुझे उसमें भाग लेने के लिए जयपुर जाना है। मुझे उसमें भाग लेने के लिए कहाँ जाना है, जयपुर जाना है। जो आगे है इसी में कि अतः इस तिथि के लिए अवकाश देने की कृपा करें। अतः इस तिथि के लिए अवकाश यानी छुट्टी देने की क्या करें, कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य। बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर यहाँ पे लड़का है तो लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर यहाँ जेंडर चेंज होता है, लिंग बदलता है कि लड़की होती है, तो यहाँ लिखेगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, आज्ञाकारिणी, आज्ञा कारिणी शिष्या। अगर यहाँ पे लड़की अपना लिख रही है तो लिखेगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, और अगर लड़का लिख रहा है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य। समझ में आया बच्चों यहाँ पे कि अगर लड़का लिख रहा है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर लड़की लिख रही है तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। बच्चों फिर आपका जो भी नाम है आप अपना नेम राइट कीजिएगा इसके नीचे। फिर हम लिखेंगे कक्षा कि हम कौन सी कक्षा के विद्यार्थी हैं, कौन सी कक्षा के बच्चे हैं। तो आप लिखोगे कक्षा 3 अनुक्रमांक। अनुक्रमांक का अर्थ होता है बच्चों रोल नंबर, कि आपके जो आपकी कक्षा में जो आपका रोल नंबर है वो आप लिखिएगा। फिर उसके बाद में दिनांक कि आप कौन से दिनांक को ये पत्र लिख रहे हो। तो जैसे हमने 4 जून का अवकाश लिया है तो हम कितने दिनांक को लिखेंगे, 3 जून को। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बेटा डाल लेना
तो बच्चों ये है हमारा अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र। तो बच्चों सबसे पहले हम अपना इसमें पता लिखेंगे कि सेवा में प्रधानाचार्य जी राठ इंटरनेशनल स्कूल दोगेड़ा बहरोड। बच्चों इसमें हमें अल्पविराम और पूर्ण विराम का ध्यान रखना है कि आपने अल्पविराम कहाँ लगाना है और पूर्ण विराम कहाँ लगाना है। यानी अल्प विराम यानी जहाँ हम थोड़ा सा रुक रहे हैं, वाक्य में जहाँ थोड़ा सा रुकना पड़ता है वहाँ अल्प विराम का, और जहाँ हमारा वाक्य पूरा हो रहा है वहाँ हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में बच्चों कि हमारा जो विषय कि हम किस विषय पे पत्र लिख रहे हैं कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र या छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। फिर हम लिखेंगे संबोधन वाक्य, संबोधन शब्द की या अभिवादन कि महोदय। फिर हम अपना पत्र लिखेंगे कि कल दिनांक 4 जून 2020 को मेरी बड़ी बहन का जन्म दिवस मनाया जाएगा और मुझे उसको कहाँ जाना पड़ेगा, जयपुर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे दूसरे स्थान पर जाने के लिए मुझे एक दिन की क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए। और इस तरह बच्चों अतः इस तिथि के लिए अवकाश देने की कृपा करें। 4 जून 2020 को मुझे अपनी बहन के जन्म दिवस में शामिल होने के लिए कहाँ जाना है, जयपुर जाना है, और इस दिन की मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। और उसके बाद में बच्चों फिर हमें अपना लिखना है, अपना पता देना है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, जो भी नाम है आप अपना नाम इसमें लिखना बच्चों। फिर है कक्षा, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर और दिनांक। तो बच्चों ये हमारा औपचारिक पत्र है। तो मैं एक बार दोबारा से दोहरा देती हूँ कि पत्र किसे कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा भावना रूपी शब्दों के संग्रह को दूसरे व्यक्ति के समक्ष, समक्ष का अर्थ होता है सामने, लिखकर प्रकट किया जाता है उसे पत्र कहते हैं। पत्र के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, यानी फॉर्मल लेटर और अनफॉर्मल लेटर। उसके बाद में बच्चों ये जो हमारा जो औपचारिक जो पत्र है वो हमारा प्रार्थना पत्र, जिसमें अवकाश के लिए, शिकायत के लिए और दूसरे उसमें कार्यालय पत्र यानी किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, किसी अपनी कोई समस्या को हम बताने के लिए। और फिर उसमें आता है थर्ड नंबर पे व्यावसायिक पत्र, यानी किसी कंपनी को या किसी प्रकाशक को या किसी दुकानदार को पत्र लिख रहे हैं, वो इस औपचारिक पत्र में शामिल होते हैं। दूसरा पत्र आता है, पत्र का जो प्रकार है वो है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में जो लिखने वाला और जो प्राप्त करने वाला के जो मधुर जो संबंध होते हैं उसी के उसी में उनके जो संबंध जो है उसी में उनकी भाषा शैली में लिखे जाते हैं कि जो पत्र को जो लिखने की जो भाषा शैली है वो हमारी क्या होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। यानी जो हम पत्र लिख रहे हैं तो हमारी जो भाषा शैली है वो बच्चों सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। और इसमें हमें पता, दिनांक, संबोधन या अभिवादक जो शब्द है वो उसका, और दिनांक वगैरह और जो हमारे विषय है उसके बारे में लिखना चाहिए। धन्यवाद।